भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह की फिल्म प्यार के बंधन रिलीज के लिए तैयार है। जी हां, फिल्म 16 फरवरी से पूरे भारत में एक साथ रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और भव्य पैमाने पर यह फिल्म रिलीज हो रही है। आपको बता दें कि पिछले फ्राइडे भी इनकी फिल्म प्रेम की पुजारण रिलीज हुई थी, जिसमें खेसारी लाल यादव, यामिनी सिंह और रक्षा गुप्ता नजर आए थे और इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। और इसी के बाद यानी एक ही वीक के बाद खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह की फिल्म प्यार के बंधन रिलीज हो रही है, जो काफी चर्चाओं में है, जिसका ट्रेलर काफी पसंद किया गया और अब फिल्म को लेकर चर्चा काफी है, क्योंकि यह जोड़ी एक ही हफ्ते में दो बार उनकी फिल्म रिलीज हो गई है। या को हुई एक फ्राइडे को उनकी फिल्म प्रेम की पुजारण रिलीज हुई तो दूसरे फ्राइडे उनकी फिल्म प्यार के बंधन रिलीज हुई है। खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आ चुकी है। उनकी फिल्म गॉडफादर काफी भव्य पैमाने पर शूट किया गया है। वहीं फिल्म अवैध भी दोनों ने एक साथ किया है, जो बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म गॉडफादर और अवैध के पहले फिल्म प्यार के बंधन उनकी रिलीज होने वाली है, जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। यह फिल्म काफी भव्य पैमाने पर शूट भी किया गया है। फिल्म के कुछ पार्ट्स लंदन में भी शूट किए गए हैं और फिल्म के जो गाने हैं वो काफी मजेदार हैं। फिल्म को लेकर खेसारी लाल यादव लाइव भी आए अपने इंस्टाग्राम पेज से और उन्होंने फिल्म को देखने के लिए दर्शकों से अपील भी की, क्योंकि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है और वे चाहते हैं कि दर्शक इस फिल्म को देखें, जिस तरह से उन्होंने प्रेम की पुजारण फिल्म को पसंद किया। आप थिएटर तक जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए? अगर जाएंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद।